हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग जो बिग बिलियन डे के अंदर जाके जो है अपने क्रेडिट कार्ड को जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों का क्रेडिट कार्ड आपके फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन ऐप के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ऐड नहीं हो रहा है और आप लोगों को एक वहाँ पे जो है एरर दे रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप लोग अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, दोनों को ही ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग जो है 100% अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर वो कौन सी स्टेप एंड मेथड है जिनको यूज़ करके आप लोग जो अपने HDFC या फिर SBI के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जो आसानी से अपने इसमें फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में ऐड कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ उसको यूज़ करने के बाद, अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में आपका जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट या अमेजोन के अंदर यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है एंड आपको एरर शो कर रहा है, मेरी ट्रिक एंड प्रोसेस यूज़ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। सो गाइस, अब बात करते हैं, आप लोग जैसे अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हैं, जाने के बाद गाइस आप लोग जो यहाँ पे अपना क्रेडिट यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद गाइस आप लोग स्क्रॉल करते नीचे की साइड आते हैं एंड यहाँ पे सेव क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आप लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग जो है अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है यहाँ पे ऐड ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता देता हूँ। आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को जो है आपकी जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च वाली आइकन पे आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को फ्लिपकार्ट लिख के सर्च करना है। अगर आप अमेजोन में ऐड करना चाहते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है, फ्लिपकार्ट ओपन करना है एंड यहाँ पे अगर आपको अपडेट की बटन शो होती है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन की, तो आप लोगों को उसको यहाँ पे अपडेट कर लेना है एंड उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आपको एफ इन्फो पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड आपको एफ इन्फो में चले जाना है, यानी कि ऐप पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपको क्लियर ऑल कैच और क्लियर ऑल डाटा दो ऑप्शन शो होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर ऑल कैच कर देना है। इतना सब करने के बाद आप लोगों को अपने यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का जो ये एप्लीकेशन है इसमें जो माय ऑर्डर्स वगैरह है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को आपकी जो क्रेडिट कार्ड होता है सबसे पहले आप लोगों को उसको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपके फ्लिपकार्ट का कि यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होता है कि आपका जो अकाउंट है फ्लिपकार्ट का उसके अंदर वो वर्क करेगा भी नहीं, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो होगी या नहीं। अगर वो पेमेंट होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को दोबारा से यहाँ पे आपके जो कस्टमर केयर की सपोर्ट टीम होती है फ्लिपकार्ट की, आप लोगों को उनसे बात करनी होगी, वो ही आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट की सपोर्ट टीम है उनसे बात करनी है या फिर आप लोगों को अपने बैंक के अंदर जाना है, जिस भी कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है SBI या फिर HDFC उसमें चले जाना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व करा देंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि आप लोगों को सबसे पहले तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है क्रेडिट कार्ड की वो आपको चेक करनी है, अगर इसको चेक करने के बाद भी आपकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं होती आपके फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर, तो आप लोगों को सीधा कस्टमर केयर से बात करना है या फिर फ्लिपकार्ट की सपोर्ट टीम से आप लोगों को बात करना है, वही आप लोगों को इस सॉल्यूशन कराएंगे। अनदर आप लोग कितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना या कहीं भी चले जाना, आप लोग अपने कार्ड को एक्टिव यानी कि ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को गाइस देना चाहता था और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।